यार जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि हमारी इस्लामाबाद की फ्लाइट है, तो गिलगित एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और वहीं पर डायरेक्ट मिलता हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया। और ये वही एयरपोर्ट ये देख सकते हो, वो छोटा सा एयरपोर्ट है, 5 मिनट का रास्ता था होटल से। वैसे वहाँ अभी डालेंगे अंदर लगेज में, हाँ चलते हैं फिर प्लेन में। जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो प्लेन रेडी है, अभी हमने बोर्डिंग वोडिंग कर ली है और अब वेट कर रहे हैं, अब जाएंगे फिर हम प्लेन में। ये प्लेन में 1 घंटे का रास्ता है, उसके बाद फिर होटल जाएंगे। और होटल नहीं लिए, होटल अपार्टमेंट्स लिए हमने, अपार्टमेंट काफ़ी अच्छे हैं मैंने सुना है। लेकिन प्लेन के अंदर मौसम सही है, अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है लेकिन इतनी सर्दी भी नहीं है, नॉर्मल है। चलो बस चलते हैं। प्लेन के नीचे से गर्माइश बहुत आ रही है भाई। ये टिकट मेरी सीट है 26J। ये मेरी विंडो सीट है, शुक्र है। क्लाउड्स के अंदर है भाई हम, इसलिए थोड़ी टर्बुलेंस हो रही है। टर्बुलेंस है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। हैंड फ्री मैंने ऐसी पहनी हुई है क्योंकि मैंने एक कोई यूट्यूब से चीज़ डाउनलोड की थी वीडियो, लेकिन वो आधी हुई तो आधी देखी मैंने, और बोर हो रहा हूँ मैं। एयरपोर्ट पर लैंड किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, जैसे पीछे देख सकते हो। और अभी बस में जाएंगे एयरपोर्ट, मतलब अंदर जाएंगे, बैगेज वैगेज लेंगे और फिर जाएंगे होटल। और हाँ बस भाई होटल पे, होटल में अपार्टमेंट्स है, एक अपार्टमेंट में 3 बेडरूम है। और यार 10th फ्लोर पे हमारा है, व्यू दिखा दो, ये देखो इतना बेहतरीन व्यू है। ये यार इसका इग्नोर करना, डाइनिंग टेबल, सेटिंग, टीवी, एंट्रेंस डोर, कबर्ड, वॉशरूम, किचन, ये स्टोर रूम है। यहाँ पे डबल बेडरूम, डबल बेडरूम, और ये मैं ही वॉशरूम दिखाऊँ, वॉशरूम में कोई है, एक सेकेंड, ये देखो ये सिंगल सिंगल रूम। तो ये वाला वॉशरूम देखो, लाइट कहाँ से खुलती है, हैं लाइट, एक लाइट देखो, ये अच्छी होटल है, मेरा दिल कह रहा है मैं यहीं पर रुक जाऊँ इसी होटल में। फिर से आ गई ये डबल बेडरूम, ड्रेसिंग टेबल है। और ओवरऑल इसका दूर तो यार बहुत ही बेहतरीन होटल है, और सेंटोरस होटल अपार्टमेंट से शायद हाँ इसको नीचे हो गया। हाँ भाई की राइटिंग सही, तो ये तो बहुत बेहतरीन है, इतनी अच्छी होटल है, अपार्टमेंट ही बेस्ट होते हैं भाई। भाई स्विमिंग पूल भी है लेकिन वो संडेज को बंद होता है। और अभी हमारे सी फारिक बैठे हुए, अभी अभी व्लॉग अपलोड किया है, मतलब पहला व्लॉग जो लाहौर से आगे वाला है वो अभी अभी अपलोड किया मैंने, इस्लामाबाद में। इट्स अ फास्ट स्विमिंग राइटर में आकर सबसे मज़ा आ गया। और हाँ व्यू दिखाते हैं यहाँ से, अभी फैसे फूड पंडा हमने ऑर्डर किया, भूख बहुत लगी थी भाई। हर रूम्स अलग अलग व्यू है, ये तो यहाँ लाउंज का व्यू है मतलब, और बाकी 3 रूम्स में अलग अलग व्यू है। तो हाँ लेकिन स्विमिंग पूल बंद होता है संडेज को, तो कल हमारा चेकआउट है बारह बजे, क्योंकि हमारी फ्लाइट है फिर कल रात को, तो इसलिए कल हमारा सुबह 12 बजे चेकआउट है, फिर हम कहीं ऐसे घूमेंगे। 12 बजे से पहले हमें स्विमिंग करनी है, क्योंकि यार कराची में भी स्विमिंग पूल बंद है, यहाँ पर तो अवेल करें। हम खाना खा लिया, हाँ खाना खा लिया, हाँ पेट भर गया, पूरा भर गया, और खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना, सो गए थे, नहीं सो गए थे आप, नहीं सो गए थे, नहीं हाँ नहीं। ये होटल अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है, हाँ। तो भाई हमारी होटल का नाम है सेंटोरस होटल अपार्टमेंट्स। तो सेंटोरस यहाँ पे मॉल है, तो होटल के बिल्कुल नीचे है, मतलब मॉल है एक, मतलब एक मॉल है, होटल से नीचे उतरते हैं और राइट पे बिल्कुल 1 मिनट के फासले पे एक मॉल है, तो वहाँ भी मॉल में आया हुआ हूँ मैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। आ गया हूँ भाई वापस, और अभी थकन हो रही है थोड़ी बहुत, तो अभी बस यूट्यूब देखूँगा, थोड़ा एडिट करूँगा वीडियो, खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा, और फिर सुबह उठूँगा और फिर वापस ब्लॉग बनाना शुरू करूँगा। और हाँ
कल के व्लॉग में क्या होता है आपको कल ही पता चलेगा। वैसे तो मैंने बता दिया कि कल हम कराची जा रहे हैं, तो हाँ ज़्यादा नहीं है, ब्लॉग बड़ा बना है छोटा बना है, फिर जैसा ही बना है मैं एडिट करके इसको पोस्ट कर दूँ अपलोड कर दूँगा। और हाँ तो व्लॉग करते फिर यहीं पर एंड, भाई मिलूँगा आपको कल सुबह सुबह, तो हाँ कल मिलते फिर। स्विमिंग वगैरह भी करनी है और फिर 12 बजे चेकआउट भी करना है, फिर देखेंगे क्या करेंगे। रात को 10 बजे हमारी फ्लाइट है, तो एयरपोर्ट के लिए 7:30-7 बजे निकलना होगा शाम में, और देखते हैं कल क्या होता है भाई। कल के ब्लॉग में देख लेंगे, और कल का ब्लॉग भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो फिर हाँ मिलते हैं भाई कल।